Assalamu alaikum and welcome back. आज की वीडियो में हम अपने घर को और अपनी रूटीन को समर रेडी करेंगे छोटी छोटी प्लानिंग्स न्यू सीजन में हमारी ट्रांजिशन को बहुत आसान बना देती हैं। हम देखेंगे कि न्यू सीजन में अपनी बिलोंगिंग्स की किस तरह से देखभाल करनी है प्लस बगैर अप अपनी रूटीन को किस तरह से जेंटली चेंज कर लेना है तो चले आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिविंग रूम को देख लेते हैं समर्स के आते ही धूल मट्टी आना शुरू हो जाती है क्योंकि ज्यादा टाइम हम अपनी विंडोज को ओपन रखते हैं और वो सोफे जो की लेदर वैक्सीन थेटिक मटेरियल के बने होते हैं समर्स में स्टिकी फील की वजह से काफ़ी इनकनवीनियंट फील होते हैं और महंगे सोफ़ा कवर्स खरीदने के बजाय आप अपनी कॉटन की बेडशीट्स को भी सोफ़ा कवर बना सकते हैं हमारे यहाँ पंजाब पाकिस्तान में समर्स का ड्यूरेशन आठ से नौ महीने का होता है तो इतने टाइम में सोफों की बार बार डीप क्लीनिंग करवाना बहुत मुश्किल है इसके बरक्स सोफा कवर्स को वॉशिंग मशीन में डाल के जस्ट वॉश ही तो करना है प्लस अगर बच्चों से सोफे पे बैठ के खाते हुए कुछ गिर जाता है तो सोफा कवर की वजह से आपके सोफे नीट क्लीन और स्पॉटलेस रहेंगे बेडरूम को देख लेते हैं विंटर्स में मैं ये गुलटेक्स बेडशीट यूज करती हूँ जो कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी वार्म रखती है प्लस स्मूथ एंड कंफर्टेबल टू टच लेकिन समर्स में हम इसको रिप्लेस कर देंगे कॉटन बेडशीट से प्योर एंड सॉफ्ट कॉटन बेडशीट्स विद नाइस कलर्स और समर्स में कॉटन का टच और फील काफी रिलैक्सिंग होता है विंटर्स में मैं एक और काम करती हूँ अपने बेड शीट के नीचे एक और एक्स्ट्रा चादर बिछा चा देती हूँ जिसकी वजह से बेड काफी वार्म और कोजी रहता है तो विंटर्स के एंड होते साथ ही इस चादर को बेडशीट के नीचे से रिमूव कर देती हूँ इस बार हमारे काफी देर से विंटर्स एंड हुई हैं वरना मोस्ट प्रोबेबल फेब के एंड में ही विंटर्स खत्म हो जाती है लेकिन इस बार मार्च का एंड आ गया है लेकिन अभी भी मौसम काफी बेहतर है तो जी बेडशीट को मैंने रिप्लेस कर दिया है प्योर कॉटन की बेडशीट से जिसके बहुत ही नाइस कलर्स हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर बेसिकली ये बेडशीट मैंने बाय की है आइडियाज से और आइडियाज पे अकॉर्डिंग टू वेदर बहुत ज्यादा वराइटी की बेडशीट्स अवेलेबल है कम्फर्टर्स में भी गर्मी लगने लगी थी तो इसलिए भी उनको धो के ड्राई करके रख लिया था कम्फर्टर्स कॉटन के हैं तो वो भी इजिली मशीन में ही वॉश हो जाते हैं इट कलर की बेडशीट्स लेना हमेशा से वर्स्ट डिसीजन होता है तीन से चार दिन में ही इसपे काफी निशान लग गए थे तो इसलिए इसको वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए डाल देंगी इसको मैंने थोड़े टाइम के लिए ही बिछाया था तो इसलिए मैं इसको क्विक पे लगा दूंगी ताकि फिफ्टीन मिनट के अंदर ही ये वॉश हो जाए तब तक हम अपनी बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं अब आ जाते हैं जी वॉर्ड्रॉप की तरफ वूल के कपड़े जैकेट जर्सी शॉल अच्छे से धो के नाइसली फोल्ड करके एक कंटेनर में रख के स्टोरेज में रखती थी जिनको हम रिप्लेस कर देंगे समर्स के सॉफ्ट कपड़ों से जिनमें हम इजी फील कर सकें अकॉर्डिंग टू द वेदर अब्दुल मिग्गर और शर्ट के सेट मैंने निकाल लिए थे वॉर्ड्रॉप को सेट करते वक्त आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि एक बैग साइड पे रखना है जो कपड़े छोटे हो गए हैं या वो कपड़े जो अब आपके काम के नहीं रहे उस बैग में डालते जाने हैं इस सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी वार्ड्रॉप ऑर्गेनाइज रहेगी मेस्टअप नहीं होगी प्लस आप उन कपड़ों को चैरिटी भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अब्दुल मुइज की पिछले साल की जो शॉर्ट्स छोटी हो गई थी उनको अलहदा बैग में डाल दूंगी चैरिटी के लिए और जो न्यू शॉर्ट्स हैं उनको मैं फोल्ड करके उनकी वार्ड्रॉप में ऑर्गेनाइज कर दूंगी जीन्स पैंट्स और वुलन ट्राउजर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है सिर्फ शॉर्ट्स से सिर्फ नाइट टाइम में अब्दुल मुइज को फुल ट्राउजर पहनाती हूँ अब जी इसके शूज को भी इसी तरीके से रिप्लेस कर देंगे जितने भी स्निकर्स हैं बूटी हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे क्रॉक से और सैंडल से जिनमें बच्चों के पाओं को हवा लगती रहे तो ये देखें जी इसके मैंने एंडियोर से न्यू क्रॉक्स लिए हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं गुड क्वालिटी एंड ईजी टू वॉक समर्स की बॉर्ड ड्रॉप सेट करना बहुत ही ईजी है तो चले अब डेकोरेशन देख लेते हैं समर्स में अपनी डेकोरेशन को जितना मिनिमाइज़ हो सकता है उतना करें क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो इसीलिए जितनी मिनिमम डेकोरेशन होगी डस्टिंग करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी प्लस घर भी उतना ज़्यादा एलिगेंट लगेगा हेयर इज एन हैबुलइजर जिसका सिर्फ विंटर में यूज होता है विंटर्स में बच्चों की अक्सर ही नोज ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से रात को उन्हें सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है उनकी तो नींद खराब होती है साथ हमारी भी नींद खराब होती है तो इसमें जो यहाँ पे हमने इंजेक्शन डालना है इंजेक्शन की वजह से आगे इसमें से स्मोक निकलेगा उसको बच्चे ने जस्ट इन्ेल करना है और वह सारी रात सुकून से सोया रहेगा और अकॉर्डिंग टू द एज दो मास्क भी इसमें इंक्लूडेड है लिक्विड इंजेक्शन डालने के बाद जस्ट यहाँ से बटन को प्रेस करना है स्मोक खुद ब खुद निकलेगा और वो काफी और सॉफ्ट सा होता है जिसको बच्चा खुशी खुशी इनहेल करता है अब चूंकि विंटर्स ओवर हो गई हैं, तो नेबुलाइजर को होम मेड क्लीनर से जिसकी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बताई है अच्छे से क्लीन करेंगे और पैक करके स्टोरेज में रख देंगे नेक्स्ट विंटर्स तक के लिए वॉर्ड्रोप को भी देख लेते हैं खद्दर के और लीलन के कपड़ों को मैंने रिप्लेस कर दिया है सॉफ्ट कॉटन के और लॉन के कपड़ों से फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कुर्ता है बीस ट्री का बहुत ही सॉफ्ट से लॉन है जो कि काफी ब्रेथेबल है और घर में कैजुअल पहनने के लिए काफी बेस्ट है फिर ये एडेंड्रोप का एक कुर्ता आ जाता है एम्ब्रॉइडेड कुर्ता जिसको हम ईद वगैरह पे पहन सकते हैं और फिर एडन ड्रोप का ही एक कोट टू पीस स्टिच सूट है सॉफ्ट से लॉन है और बहुत ही नाइस और सॉफ्ट कलर है अकॉर्डिंग टू द वेदर इस ड्रेस को ब्लैक ट्राउजर के साथ कैजुअल वेयर कर सकते हैं यहाँ पे फिर एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फॉर एग्जाम्पल जब मैं विंटर्स के कपड़े रख रही थी तो एक बैग मैंने साइड पर रखा था और विंटर्स के वो कपड़े जो नेक्स्ट ईयर मेरे नहीं पहनने थे उस बैग में डाल दिए थे अब समर्थ के भी जब मैं कपड़े निकाल रही थी और वो वो कपड़े जो कि अब मैंने आगे नहीं पहनने या मेरे काम के नहीं रहे थे उसी बैग में डाल दिए थे और फिर वो बैग चैरिटी कर दिया था इससे एक तो ये है कि जो विंटर की स्टोरेज में भी काफ़ी जगह बच गई थी विंटर्स की जितनी भी वूल की शॉल्स थी और गर्म हिजाब थे उनको मैं रिप्लेस कर दूंगी समर लॉन और जटोन हिजाब से, जो कि ब्रेथे बलो और जिनमें पसीना भी न आए कोशिश करें हिजाब के ऐसे कलर्स चूज करें जिनको आप मैक्सिमम सूट के साथ कंट्रास्ट करके पहन सके फॉर एग्जाम्पल कैम्बल शेड और न्यूड शेड ऑलमोस्ट गोस विद एफरी ड्रेस

पम्प्स और स्निकर्स इनको हम रिप्लेस कर देंगे कैजुअल वेयर और फॉर्मल वेयर समर्स यूज से जिस सीजन का ड्यूरेशन हमारे कंट्री में लंबा होता है ज्यादा होता है उस सीजन के आइटम्स हमारे पास हमेशा ह्यूज अमाउंट में होते हैं फॉर एग्जाम्पल शूज ड्रेसेस अब शूज समर्स के मेरे पास टेन टू फिफ्टीन पेयर हैं शूज के अब इस ड्रॉर में मैं फॉर्मल और सेमी फॉर्मल समर के शूज रखूंगी ओनली फोर पेयर जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं सेम इसी तरीके से फुटमेट भी चेंज कर लेंगे जो कि मोस्ट People, हम सिंक एरिया के पास वॉशरूम के बाहर और घर की एंट्रेंस पे रखते हैं। हर जगह का एक एक्स्ट्रा फुटमेट मैंने रखा होता है जब डर्टी फुटमेट वॉश करना होता है तो न्यू वन से उसको रिप्लेस कर देती हूँ ताकि वॉशरूम किचन और घर नीट एंड क्लीन रहे जी हीटेड ब्लड सर्कुलेशन फुट मसाजर विंटर्स में इसका बहुत ज़्यादा हमारे घर में यूज होता है स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए और एंकल्स तक पूरे पाओं के मसाज के लिए ये बेस्ट है प्लस विंटर्स में इसका हीट वाला ऑप्शन अगर आप ऑन करें तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है समर्स में इसका हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते तो इसलिए इसको मैं अच्छे से क्लीन करके बैग में डाल के स्टोरेज में रख दूंगी नेक्स्ट विंटर तक के लिए 15 से 20 मिनट में बेडशीट वॉश हो गई थी और इसको ड्राई भी कर लिया था अब इसको फोल्ड करेंगे यूनिक वे में एक पीलो का कवर इस बेडशीट के अंदर ही रखेंगे और इन दोनों को दूसरे पीलो के कवर के अंदर डाल देंगे और उसको फोल्ड करके वार्ड्रोप में रख देंगे ऐसा करने से आपका पीलो का दूसरा कवर अपनी जगह से गायब नहीं होगा लास्ट में है जी पैनासोनिक का इलेक्ट्रिक फ़ैन हीटर जो कि 360 तक रोटेट भी करता है विंटर्स में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं स्पेशली इलेक्ट्रिक हीटर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि तकरीबन लोग गैस के बार बार बंद होने से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं और इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो जैसे ही विंटर्स ऑफ हुई हैं तो इन हीटर्स का अब कोई रोल नहीं रहा इनका काम ख़त्म हो गया है तो इस पर भी हम एक बैग चढ़ाएँगे और नीचे से उसको हम किसी भी रिबन से या रस्सी से बांध देंगे ताकि एक कवर ऊपर से उतरे ना अच्छे से बांध के नेक्स्ट विंटर तक के लिए इसको हम रख देंगे और हाँ ए सी की सर्विस अभी इसलिए नहीं की क्योंकि अभी उस लेवल की समर्स आई नहीं है तो जी मेरी तकरीबन समर्स की प्रिपरेशन हो गई है आप लोग भी अपने घर को समर्स के लिए रेडी कर लें ताकि जेंटली आप अपने रूटीन को कंटिन्यू कर सकें बग़ैर परेशान हुए तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़